बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मेरठ शहर के प्रतिष्ठित सुपर टेक पाम ग्रीन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सोसाइटी पंजीकरण के 10 साल बाद अब कल चुनाव होने जा रहे हैं। पुरानी RWA को कालातीत घोषित किया जा चुका है। सोसाइटी के नागरिकों का यह आरोप आम हो चुका है कि पुरानी सोसाइटी, जिसे खुद सुपरटेक चला रहा है, केवल धन उगाही का केंद्र बन गई है। सुविधा उतनी नहीं दी जाती जितने पैसे प्रति माह चार्ज किए जा रहे हैं। वर्तमान में दो चैनल चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए कल्पना गोयल व रमन जौली, उपाध्यक्ष पद के लिए उर्वशी त्यागी व रवि नंदन गर्ग, सचिव पद पर छाया गुप्ता व सुशील खेत्रपाल, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर जया आर्य व पुखराज सिंह के बीच कल वोटों के लिए जोर आजमाइश होगी। वोट के लिए सेल डीड में पंजीकृत प्रथम फ्लैट स्वामी ही अपने फोटो पहचान पत्र के साथ वोट देगा। प्रॉक्सी वोट व पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा अधिकृत वोट मान्य नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक चुनाव अधिकारी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। इस चुनाव की एक विशेषता यह भी है कि एक पैनल ने पदाधिकारी के रूप में केवल महिलाओं को ही चुनाव मैदान में उतारा है। आज फर्स्ट बाइट टीम ने कॉलोनी के वासिंदों से लंबे अरसे बाद हो रहे चुनाव पर उनकी प्रतिक्रिया ली। देखिए, अध्यक्ष पद जो जौली साहब लड़ रहे हैं, 2 महीने पहले लिफ्ट में बंद हो गए थे और 15-20 मिनट लिफ्ट में बंद रहे, सब जगह शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं है। ये जो बिल्डर है, पैसे दे देता है डिपार्टमेंट में लोगों को और वहाँ उनको आवाज़ रोक देता है उनकी। यहाँ पैसे का बोलबाला है, जो सीधे साधे भोले भाले लोग उनसे पैसे लूट रहा है। यहाँ कार्य करने में उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आप देखो ना, बिल्डिंग की क्या हालत है, 10 साल पहले पेंट होता, आज तक पेंट नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यू में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी लोग तरह तरह की बात, जो एग्जिस्टिंग RWA जो अपने आप बनी हुई है, सेल्फ एग्जिस्टिंग, वो इसको दिक्कत पैदा कर रही है तरह तरह की डाल के। अभी जो लेटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, चोरी होनी शुरू हुई है, जबकि ये पूरी सोसाइटी इसीलिए फेमस थी कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है। और मेरा बाहर से बंधनवार चोरी हुआ है, मैंने सीधा हेल्पलाइन पे फोन किया, उन्होंने मेरे को बोला कि जी 3 महीने से CCTV कैमरे खराब है। हमने कहा DVR का, कहते DVR खराब है, CCTV कैमरे खराब है, तो फिर सिक्योरिटी क्या है? घर के बाहर से अगर चोरी हो रही है, उसके बाद इनके घर चोरी हुई है, ये इनके घर चोरी हुई है। मेरे यहाँ से गमले रहती हूँ और लॉकडाउन का टाइम था और पता नहीं कहाँ से कौन आया और गमला ले गया, 3 गमले मेरे ब्लॉक से भी, मतलब ब्लॉक वाइज सब ब्लॉक से चोरियाँ हो रही हैं, उसकी कोई रोकथाम नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी में कोई भी, हम रह किस ले रहे हैं, सिक्योरिटी की वजह से यहाँ आए थे, वो हमारे लिए है। उसके बाद कोई भी घर में आ जाता है, DVR नहीं है, इनके पास DVR खराब है, इनके CCTV कैमरे खराब है। हम लोगों ने बोला DVR से देख के आप हमें फुटेज बताइए कि किसने लिया, इंटरकॉम काम नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें तीन महीने हो गए हमारे खराब है, ये हेल्पलाइन का उन्होंने बोला है। इंटरकॉम को तो 6-6 महीने ठीक ही नहीं होते हैं, इंटरकॉम तो यहाँ साल हो गया, इंटरकॉम खराब, बहुत खराब रहते हैं। यहाँ पे उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ की इमारत की फोटो लीजिए, ऐसा लगता है 10-10, 20-20 साल पुरानी हो, जबकि मेंटेनेंस 2 रुपये स्क्वायर फिट, जो कि बहुत अच्छी अच्छी सिटीज में भी नहीं होता, हम लोग यहाँ देते हैं। लेकिन इतनी महंगी बिजली, उसके बावजूद हर फ्लोर पे लिफ्ट है, 4 हैं, 2 चलती है, 2 नहीं चलती है, लाइट्स आधी बंद रहती हैं और पूरा खर्चा लिया जाता है हमसे, लेकिन शोषण पूरा किया जा रहा है सुपरटेक और उनके जो यहाँ साथी लोग बैठे हैं उनके द्वारा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है, ये हमारे बिलों में GST लगाते हैं, जबकि GST का कोई रूल नहीं है कि GST 18% ये चार्ज कर सके। मैं फर्स्ट डे से इनसे कहता रहा कि हमारी सोसाइटी का जो कलेक्शन है वो 20 लाख से कम है, और गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से भी जहाँ पे 20 लाख से कम कनेक्शन होता है वहाँ पर GST लागू नहीं होता। इन्होंने पता नहीं कैसा जोड़ हिसाब बना रखा है कि सब जगह सारी कंपनियाँ इकट्ठी करके हमारे सबसे पैसा लूटा जा रहा है। मेरी बेटी को डेंगू हुआ है अभी कल ही, और मैं उसको एडमिट करा के आया हूँ यहाँ पे। पिछले जब से डेंगू स्टार्ट हुआ है, कोरोना में तो इन्होंने वो करा था, और उसके बाद कोई फॉगिंग नहीं मच्छरों के लिए,
कोई वो नहीं है। यहाँ पार्क है, यहाँ मच्छर ही मच्छर है चारों तरफ। अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। और पिछले RW ने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, पिछले 10 साल से कुछ नहीं किया। मैंने यहाँ पर कितनी बार अपने हरबीर सिंह जो है उनसे बोला जाके, कभी एक लिफ्ट ख़राब है कभी दूसरी, लिफ्ट हमारी लाइफ लाइन है, अगर लिफ्ट ख़राब हो तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम होती है, मैंने पर्सनली, वैसे मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन पर्सनली जाकर से बात की है कि आप ये ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो ऊपर पिलर जो है गिर रहे हैं नीचे सीमेंट वाले, उनकी जो वो मेंटेनेंस नहीं हो रही उस, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इनिशियली हमने 5 फ्लैट लिए थे हमारे परिवार के और सदस्यों ने, और मैं यहाँ 2014 में आ गया था रहने के लिए। तब से लगातार कभी कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। पार्किंग्स की प्रॉब्लम रोज की है, रोज दिक्कत होती है। आप अपनी गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं, पार्किंग कहीं होती है आपकी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए FirstBite.tv, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।